में आप लाइव तस्वीरें देखते हैं सीएम मनोहर लाल खट्टर करनाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किसान और अन्य कई मामलों पर मैं बातचीत हो रही। हमारी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कई जगह परेशानी भी आ रही है लेकिन फिर भी किस तरीके से व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है? देखिए, इस बार की प्रोक्योरमेंट का काम 1 अप्रैल से शुरू हुआ है और ये ठीक बात है कि जब इतना बड़ा एक कार्यक्रम होता है प्रोक्योरमेंट का, शुरू शुरू में 1-2 दिन छोटी मोटी जो व्यवस्था की दिक्कतें आती हैं उनको सबको समय पर ठीक कर लिया जाता है और मैं समझता हूँ कि अब प्राय सारी व्यवस्थाएं ठीक सेट हो गई हैं पूरे हरियाणा में और प्रोक्योरमेंट सब शुरू हो गई है। प्रोक्योरमेंट का जो रश है वो लगभग 10 तारीख के आसपास ज़्यादा होगा, अभी इतना रश नहीं है क्योंकि फसल इस बार जो पकी है वो उसमें मौसमों के कारण से भी थोड़ा सा डिले है, इसलिए कोई कठिनाई नहीं है और सब ठीक से प्रोक्योरमेंट हो रही है। कल हमारे डिप्टी कमिश्नर उपायुक्त महोदय वहाँ गए थे मौके पर, उन्होंने जो टोकन का और शेड्यूलिंग का विषय था हमने चंडीगढ़ से ही उस विषय की जानकारी जब मिली हमें तो उसको समाधान उसका कर दिया था कि पूरे हरियाणा के लोगों को शेड्यूलिंग उनके हिसाब से हम कराएंगे जैसा जिस दिन वो लेके आना चाहेंगे, क्योंकि किसान को ही पता होता है कि इस दिन उसकी फसल पकती है तो जिस दिन पकती है उसके अनुमान से अगले 7 दिन का 8 दिन का जो प्रोग्राम है वो किसानों के कहने के हिसाब से शेड्यूलिंग करेंगे। आम आदमी पार्टी की तरफ से किसान पंचायत रैली की गई है, आज रैली थी मुझे पता लगा है लेकिन मुझे पता नहीं रैली हुई कैसे हुई क्या हुई इसकी जानकारी आप लोग जैसा देंगे। किसानों का जो विरोध चल रहा है वीआईपी सिक्योरिटी के कारण जो है पूरे शहरवासियों को परेशानी उठती है, पूरे हरियाणा वासी को परेशानी होती है। कल आप रोहतक में गए, श्रद्धांजलि समारोह में गए थे माता अरविंद शर्मा जी के वहाँ पे, देखिए कल इस तरह का कार्यक्रम कल मैंने बता दिया, बल्कि आज तो मैंने एक गांव है आंवली गांव के लोगों के नाम से जो पत्र है वो खुला पत्र जनता को भी बताया है कि ये जो कुछ कर रहे हैं इसमें एक वेस्टेड इंटरेस्ट सबके राजनीतिक इंटरेस्ट है उसके कारण से ये सब कर रहे हैं और बहुत थोड़े से लोग हैं लेकिन जगह जगह जिस प्रकार का व्यवधान पैदा करते हैं हम नहीं चाहते कि सामाजिक भाईचारा बिगड़े और जहाँ तक इनको अपील करने की बात अपील करते हैं, लोग इनको समझा भी रहे हैं, पुलिस के लोग भी समझा रहे हैं, बाकी लोग भी समझा रहे हैं कि ये कोई तरीका नहीं है लोकतंत्र में। बीजेपी की महिला नेत्री सोनाली फुगाड़ का कल भड़काऊ भाषण जो है बयान सामने आया फेसबुक पर 50 मिनट का लाइव किया कि उन्होंने कहा कि क्या उखाड़ लिया। देखिए मेरी जानकारी में नहीं है, मैं उसको देखूंगा पता लगेगा। दीपेंद्र हुड्डा आए हुए थे, कह रहे थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब आते हैं तब तो फूल बरसते हैं लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आते हैं तो कर्फ्यू लग जाता है। इनकी चिंता उनकी चिंता ना करें, हम अपने जानते हैं कि हमें जाना तो क्या होना है और उनको आना तो क्या होना है। जो राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति, मेरी तो इतनी बात कहने का है कि राजनीति न करें, बहुत महंगी पड़ेगी। लगातार कोरोना के मामले फिर से बढ़ रहे हैं, बहुत बढ़ रहे हैं, चिंता की बात है। आज भी मैंने अपील की है आप लोगों के माध्यम से, आप लोग वहीं थे कार्यक्रम में, कि इसकी सावधानियाँ बरतें, मास्क भी पहन करके रखें, डिस्टेंसिंग बना के रखें और सैनिटाइजर का उपयोग करें। तो ये सारे जो पहलू हैं उसको सावधानीपूर्वक रखना ही पड़ेगा क्योंकि ये चीज़ कब नीचे आ जाए और कब यानी आगे बढ़ जाए, तो ये एक लगातार तीसरी वेव ये हरियाणा में आई है, हरियाणा का सारे देश भर में ही है, तो इससे सावधान हम सब। करनाल के व्यापारियों को कुछ कहना चाहेंगे? व्यापारी आपसे मिले थे, 2-व्हीलर 4-व्हीलर बैन कर दिए हैं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत, जो ये प्रशासन की तरफ से कल की। देखिए जब रश होता है मार्केट में तो सबकी सुविधा के हिसाब से जनता को भी सुविधा हो दुकानदार को भी सुविधा हो कुछ व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं। अभी एक व्यवस्था प्रयोग के रूप में बनाई है हमारे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने कि वहाँ भीड़ कैसे कम हो, वाहनों को बजाय लोगों को फ्री पैदल आने जाने में कठिनाई ना हो, तो कुछ दिन का एक प्रयोग चल रहे हैं, उसके बाद फिर उनसे बात करेंगे और उसमें से जो जैसा व्यापारी कहेंगे उस हिसाब से। चुनाव कब तक होगा उपचुनाव को लेकर? चुनाव आयोग बताएगा। तैयारी जो शहीद हुए जवान भी लड़ेंगे या जेजेपी को लड़वाएंगे वहां से? वो तो हमारा सामूहिक एक गठबंधन का चुनाव होगा, दोनों में से तय करेंगे। सर छत्तीसगढ़ में जो टीआरपी के जो शहीद हुए हैं जवान 20 से ज्यादा, देखिए ये उग्रवाद जो है आतंकवाद खास करके जो बेल्ट है जहाँ नक्सलिज्म बहुत ज़्यादा था काफ़ी काबू में आ गया था, फिर घटनाएँ थोड़ी बहुत कभी कभी होती हैं और तो एक दुखदायी घटना है। मैं ऐसे सब जो जवान हैं हमारे सीआरपीएफ के हैं या अन्य जो पैरामिलिट्री के जो भी जवान वहाँ शहीद हुए हैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और हर तरीके से ऐसी जो घटनाएं हैं इनको एडमिशन को दबाना चाहिए। कर्मचारियों को तोहफा दिया आपने, सैलरी बढ़ाई है, सब आपको आपके सामने हुआ है और आज उसकी घोषणा हुई है, डिपार्टमेंट के लोगों ने उसको सुन लिया है, तो इसको जब भी करना होगा जल्दी लागू करें। शुक्रिया सर। तो ये लाइव तस्वीर इस समय आप देख रहे हैं, हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर करनाल में थे और करनाल में मीडिया से रूबरू होते हुए नजर आ रहे थे और किस तरह से लोगों से मुलाकात करके इस समय वापसी जाते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरह से आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। करनाल से बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर
किस तरह से यहाँ से रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं और किस तरह से उनसे जब सवाल पूछा सोनाली फोगाट वाला, तो उन्होंने कहा कि उनको जानकारी नहीं है कि सोनाली फोगाट ने इस तरह से कोई भड़काऊ बयान दिया है कि जो डिप्टी सीएम का क्या कुछ उखाड़ लिया किसानों ने, तो उसका भी वह पता लगाएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर आपने देखा कि किस तरह से कहते हुए नजर आ रहे थे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल में मीडिया के तमाम सवालों का जवाब देते हुए। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मीडिया करनाल, ब्रेकिंग न्यूज़ करनाल।